यूपी में बीजेपी की धूम है, योगी का जलवा कायम है, जो अलग अलग चुनाव के नतीजों में अब सामने आने लगा है। जी हाँ, पंचायत चुनाव में शानदार जीत का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि ब्लॉक चुनाव में भी जीत जारी है। यूपी एक बार फिर से भगवा रंग में नजर आ रहा है। 825 में से 609 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हो चुकी है, ये अभी तक का फिगर जो आपको बता रहे हैं। और 2022 चुनाव से पहले बीजेपी का जोश अब साथ में आसमान पर है। समाजवादी पार्टी के पास 93, अन्य के पास 111 सीटें आई हैं। 825 में से 609 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत। समाजवादी पार्टी के खाते में 93 और अन्य के खाते में 101 सीटें गई हैं। इसने 2022 चुनाव से पहले बीजेपी का जोश सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं, झूम रहे हैं, बधाइयों का दौर लगातार जारी है और 2022 की पूरी तैयारी है। यूपी चुनाव से पहले यह जश्न बीजेपी का जोश बढ़ाने वाला है। यूपी चुनाव से पहले ये जीत कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने वाली है। यूपी चुनाव से पहले ये विजय विरोधियों की चिंता बढ़ाने वाली है। पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। नतीजों की शुरुआत हुई तो शहर शहर से बीजेपी के लिए खुशी भरी खबरें आने लगी और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहरा गया। बीजेपी की इस लहर के बीच योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए तो जीत का सारा श्रेय पीएम मोदी के मार्गदर्शन को दे दिया। जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम, उसके जीवंत उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जीत को जनता के लिए किए गए कामों का नतीजा बताया और कहा कि यूपी में जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में है। जनता का जो रुझान था वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संगठन की रणनीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़ा उसका परिणाम था कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। 73 में से भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर चुनाव जीती और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। यूपी में पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव को विधानसभा से पहले सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा था। बीजेपी ने इन चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर बता दिया कि विधानसभा चुनाव विरोधियों के लिए आसान नहीं होने वाली। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। बीजेपी की बड़ी जीत से उत्साहित कार्यकर्ता पार्टी को और मजबूत करने का दम भर रहे हैं, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जनता की सेवा से आने वाले चुनाव में जीत का भरोसा जता रहे हैं। मोदी जी के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गांव गांव गरीबों की सेवा करना, उनकी योजना गरीब तक पहुंचे, उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे 2022 का भी, उसका आशीर्वाद लूंगा
आशीर्वाद लेकर हम लोग रहेंगे। जनता जनार्दन ही हमारा भगवान है, इसलिए उसके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। गांव गरीब किसान ही खुशहाली का रास्ता दिखता है, इसलिए उनको किसी प्रकार के दुख न हो। आज भी जीतने के बाद चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुख बने, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष बने, ये सबका दायित्व तो बनता है कि गरीबों की योजनाएं जो विकास कार्य है गांव गांव तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे। गरीब का खुशहाली हम सबके जीवन का लक्ष्य है। यूपी में बीजेपी की ये जीत बेहद अहम है, लिहाजा पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। पंचायत और ब्लॉक चुनाव में विजय के साथ बीजेपी ने यूपी में अपने अभियान का आगाज कर दिया है और अब पार्टी ऐसी ही विजय की तैयारी विधानसभा के लिए भी करने में जुटेगी। कुमार अभिषेक के साथ आज